आईपीएल 2024 का 17वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने थे। इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को जीत मिली। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय पंजाब किंग्स सिर्फ 70 रनों के स्कोर पर अपने टॉप के 4 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक जड़ते हुए प्लेयर ऑफ द मैच रहे शशांक सिंह ने इस मैच को गुजरात के चुंगल से छीन करके पंजाब की झोली में डाल दिया। पहली पारी के दौरान सुमन गिल ने भले ही 48 गेंदों में 89 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन शशांक सिंह के इस मैच के असली हीरो रहे। अगर स्कोर बोर्ड पे देखा जाए तो सिर्फ यही पता चलेगा कि उन्होंने 29 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, लेकिन पूरी कहानी यह है कि पारी ऐसे समय पर आई जब ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि पंजाब किंग्स के हाथों से यह मैच निकल गया है। 70 के स्कोर पर सैम करन पवेलियन लौटे थे। इस समय पंजाब किंग्स काफी दबाव में नजर आ रही थी। हालांकि 5वें विकेट के लिए सिकंदर राजा और शशांक सिंह के बीच 22 गेंदों में 41 रनों की महत्वपूर्ण सरदारी हुई। यहीं से मैच का माहौल बदलने लगा। इसके साथ ही जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा के साथ शशांक की जो छोटी छोटी साझेदारियां हुई वह काफी महत्वपूर्ण थी और वही मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ। लगातार 2 मैच जीतकर गुजरात टाइटंस अच्छे लय में थी, लेकिन पंजाब किंग्स ने इस लय को तोड़ दिया। साथ ही 2 हार के बाद पंजाब किंग्स को इस जीत के साथ काफी आत्मविश्वास मिलेगा। इसके अलावा उनकी टीम को शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा जैसे 2 नए खिलाड़ी मिले जो दबाव वाली स्थिति में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पंजाब किंग्स 6ठी बार 200 प्लस स्कोर का लक्ष्य हासिल किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। क्वेटा ग्लेंडर, मुंबई इंडियंस, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 5-5 बार ऐसी कारनामा कर चुकी है।